बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडेज़ टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देर इज़ अ पॉइंट चार्ज क्यू, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ शोन इन द फिगर। इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रेडियल। देर इज़ अ पॉइंट बी वेयर वी वॉन्ट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक पॉइंट बी है, यहाँ पे हम वी बी मालूम करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। एंड द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। बाय डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एट वी पे, दैट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट बी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। देर इज अ पॉइंट ए विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर ए। आर ए इज द डिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट ए। एंड आर बी जो है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी एंड द चार्ज। तो पहले हम क्या करेंगे, हम ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, वी बी माइनस वी ए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यू कैन सी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज राइटवर्ड, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो राइट आउटवर्ड होंगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं कि राइटवर्ड है। तो हमने चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, ये सोर्स चार्ज कहलाता है और ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्ट चार्ज कहलाता है। हमने इस टेस्ट चार्ज को मूव करना है ए से बी तक वाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। तो इसमें आप देखें कि जो फोर्स लगेगी इस पे जो फोर्स लग रही है, ये जो चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, दैट इज़ द फोर्स क्यू ई, फोर्स ऑफ रिपल्शन। हमने इस फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगानी है इस डायरेक्शन में वाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। का मतलब ये है कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। अब एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब ये है कि नेट फोर्स ज़ीरो लगे नेट। अब अगर इस पे इस डायरेक्शन में क्यू ई फोर्स लग रही है तो इस डायरेक्शन में भी हमें जो फोर्स लगानी होगी वो बराबर होगी माइनस क्यू ई के, ताकि दोनों का सम ज़ीरो आ जाए, नेट जो है नेट फोर्स ज़ीरो आ जाए। जब नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, अब देखें कि जो वर्क का फार्मूला है वो बराबर होता है एफ डॉट डी की, और इस फार्मूला की कंडीशन ये है कि इसमें जो फोर्स है जो है इसको कॉन्स्टेंट होना चाहिए। जबकि ये जो अप्लाइड फोर्स है, अब ये अप्लाइड फोर्स की बात हो रही है, जो अप्लाइड फोर्स है इसको कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो ई पे डिपेंड कर रही है, यानी फोर्स जो है ये माइनस क्यू ई के इक्वल आई है, और ई यू पीपल नो दैट दैट इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्केयर। ई डायरेक्टली डिपेंड इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस ज़्यादा कम करेंगे तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम करेंगे इस चार्ज से तो इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं रहेगी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो हम इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे, यानी ये हमने 1, 2, 3 अप टू सो ऑन एन तक हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये ए से वन तक जो डिस्टेंस है ये इतना स्मॉल है, और इसको हम डेल्टा आर से लिख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा आर, ये इतना स्मॉल है कि
जो इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड है ये सेम रहेगी क्योंकि बहुत ही स्मॉल हमने डिस्टेंस लिया है। और पॉइंट वन जो है, ये पॉइंट वन है, इसका जो डिस्टेंस ले रहे हैं चार्ज से, ये डिस्टेंस हम ले लेंगे आर वन। आर वन इज़ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज एंड पॉइंट वन, जबकि आर ए जो है दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ चार्ज पॉइंट ए एंड द चार्ज। ओके, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपको पता है, उसका जो फार्मूला है वो बराबर होता है ई बराबर होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे जो आर डिस्टेंस हम लेंगे, अब देखिए ना, एफ जो है ये बराबर है क्यू ई के माइनस क्यू ई के। अब इसमें जो एफ है ये ई पे डिपेंड कर रहा है। अब ई यहाँ तकरीबन सेम है ड्यूरिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड वन, बिटवीन पॉइंट ए एंड वन, लेकिन क्योंकि पॉइंट वन जो है ये चार्ज के करीब है तो यहाँ पे थोड़ी सी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे थोड़ी इंटेंसिटी कम होगी। तो हम इसमें कौन सी इंटेंसिटी लेंगे, वन वाली या ए वाली? तो आंसर है ना वन पॉइंट पे लेंगे ना टू पॉइंट पे लेंगे, बल्कि इन दोनों के दरमियान हम एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर है। आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द मिड पॉइंट, वहाँ पर हम इंटेंसिटी लेंगे सेंट्रल पॉइंट पर। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है यहां पे ले, इसको इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं हम। ओके, अब देखें कि हमने चार्ज को मूव करवाया है पॉइंट ए से वन तक, तो जो वर्क डन होगा, वर्क फ्रॉम पॉइंट ए टू वन, ये बराबर होगा एफ डॉट डी आर डेल्टा आर, यानी हमने फोर्स लगाई है माइनस क्यू ई और डेल्टा आर जो है ये ए से वन तक डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम डेल्टा डब्ल्यू लिख लेंगे ए से वन तक। एफ की वैल्यू आप पुट कर दें माइनस क्यू ई और डॉट डेल्टा आर। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो ये है राइटवर्ड, जबकि डेल्टा आर हम मूव कर रहे हैं ए से वन तक, तो डेल्टा आर जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो लेफ्टवर्ड है। Then the angle between E and delta R is 180. तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, that is equal to minus Q E dot delta R को लिख सकते हैं E delta R cos of theta. Theta is the angle between E and delta R which is 180 degree. तो फिर delta W जो है ये बराबर आएगा A से 1 तक बराबर आएगा minus Q E डेल्टा आर कॉज ऑफ 180 डिग्री। कॉज 180 की वैल्यू माइनस वन होती है, वो माइनस वन इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और ये बराबर आएगा क्यू ई डेल्टा आर के। तो ये हमारे पास वर्क आ गया ए से वन तक, इसको हम इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं। अब देखें कि जो डेल्टा आर है फ्रॉम फिगर जो डेल्टा आर है ये किसके इक्वल है, ये डेल्टा आर ये डिस्टेंस है ये ए और वन के दरमियान। अगर हम आर ए में से आर वन माइनस कर दें तो डेल्टा आर की वैल्यू आ जाती है, यानी दैट इज इक्वल टू आर ए माइनस आर वन, आर ए माइनस आर वन इक्वल टू डेल्टा आर। और यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर टू कह दें या कोई भी ना नाम दें, आर वन की वैल्यू बराबर आएगी यहाँ से डेल्टा आर, सॉरी आर ए की वैल्यू, आर ए की वैल्यू बराबर आएगी डेल्टा आर प्लस आर वन। और यहाँ पे अगर आप गौर करें कि जो आर है दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड वन एंड द चार्ज, और ये जो है ये किसके इक्वल होगा, ये बराबर होगा आर वन प्लस आर ए डिवाइडेड बाय टू। अगर हम इन दोनों का एवरेज ले लेंगे आर ए का और आर वन का तो वो ये डिस्टेंस आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ आर ए, देन आर बराबर आएगा आर वन प्लस डेल्टा आर, क्योंकि आर ए बराबर है डेल्टा आर प्लस आर वन के, तो यहाँ पे हमने आर ए की वैल्यू पुट कर दी। तो ये आर वन और ये R1 दोनों ऐड होके हम लिख सकते हैं 2
आर वन, ये आर बराबर आएगा टू आर वन प्लस डेल्टा आर, और इस टू को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आर है ये बराबर आएगा आर वन प्लस डेल्टा आर बाय टू। अब क्योंकि हमने ई मालूम करना है और ई में यहाँ पे आर स्केयर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम स्केयर ले लेते हैं। तो आर स्केयर जो है ये बराबर आएगा आर वन का स्केयर प्लस डेल आर स्केयर बाय फोर प्लस टू आर वन डेल्टा आर बाय टू। दोनों तरफ स्केयर लिया तो ये ए प्लस बी स्केयर वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। तो ये टू टू से कैंसिल हो गया। और एक और बात समझें कि जो डेल्टा आर है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, हमने डेल्टा आर को बहुत स्मॉल लिया है। और जब किसी स्मॉल नंबर का हम स्केयर लेते हैं तो वो और भी स्मॉल हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप 1/4 का स्केयर लें, 1/4 एक स्मॉल नंबर है, इसका जब आप स्केयर लेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा। यानी याद रखें जब हम किसी भी स्मॉल नंबर का स्केयर लेते हैं तो वो और स्मॉल हो जाता है। तो यहाँ पे जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर स्केयर बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, जबकि उसको जब 4 से डिवाइड किया है तो ये इतनी स्मॉल वैल्यू होगी कि दैट कैन बी निगलेक्टेड, दैट कैन बी निगलेक्टेड। तो फिर यहाँ से आर स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो यहाँ पे आर स्केयर की वैल्यू जो है ये हमारे पास आएगी आर वन का स्केयर प्लस आर वन डेल्टा आर प्लस आर वन डेल्टा आर। और डेल्टा आर की वैल्यू आपके सामने ये लिखी हुई है आर ए माइनस आर वन, यहाँ पे हम वो वैल्यू लगा देते हैं आर वन का स्केयर प्लस आर वन, और डेल्टा आर है आर ए माइनस आर वन। तो इसको ओपन करें ब्रैकेट को तो ये आएगा आर वन का स्केयर प्लस आर वन आर ए माइनस आर वन का स्केयर। तो ये प्लस आर वन का स्केयर है, ये माइनस आर वन का स्केयर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आर जो है ये हमारे पास आएगा, जो आर की वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी आर वन इंटू आर ए, ये आर की वैल्यू आ गई, आर स्केयर की वैल्यू, सॉरी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर वन कह दें और इसको टू कह दें। तो फिर हमारे पास जो ई की वैल्यू है ये किसके बराबर आएगी, ई बराबर आएगा के क्यू ओवर आर वन इंटू आर ए। ये इक्वेशन वन से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन टू में ई की वैल्यू पता चल गई हमें, ई की वैल्यू है के क्यू ओवर आर वन इंटू आर ए, और डेल्टा आर की वैल्यू पता चल गई आर ए माइनस आर वन। तो इस इक्वेशन में आपने ई और डेल्टा आर दोनों वैल्यूज लगानी है तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। तो ये वैल्यूज लगाते हैं, अभी हमने ई की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे ई की वैल्यू थी के क्यू ओवर आर वन आर ए, ये वैल्यू आपने पुट करनी है और डेल्टा आर की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन टू में। तो इक्वेशन टू हमारे पास कैसे आएगी, डेल डब्ल्यू वर्क फ्रॉम पॉइंट ए टू वन दैट इज इक्वल टू क्यू, और ई की जगह पे ये वैल्यू लगा दें के क्यू ओवर आर वन इंटू आर ए, डेल्टा आर की वैल्यू लगा दें आर ए माइनस आर वन, ये हमारे पास आ गया। तो ये जो वर्क है ए से वन तक ये बराबर आएगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, के को पहले लिख लें के क्यू कैपिटल क्यू, और ये अंदर इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आर ए, यानी ये इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस आर वन ओवर आर वन आर ए। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आर ए से कैंसिल हो जाएगा, आर वन से कैंसिल हो जाएगा, तो जो वर्क आएगा हमारे पास ए से वन तक ये बराबर आएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर ए। यहाँ तक आई थिंक कि आपको समझ आ गया है, कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम अगर कॉमन लें, माइनस को कॉमन ले लें, तो ये डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास आ गया,
फ्रॉम पॉइंट ए टू वन, दैट इज इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू. ये माइनस को अगर हम कॉमन ले लें, माइनस को अगर हम बाहर लिखें, तो जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा. तो ये आएगा 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर वन. तो ये हमने वर्क मालूम किया है पॉइंट ए से पॉइंट वन तक. इसी तरह हम वर्क मालूम कर लेंगे 1 से 2 तक. तो हम लिखेंगे सिमिलरली वर्क फ्रॉम पॉइंट टू वन टू टू, पॉइंट वन से टू तक. तो ये भी ऐसे ही आएगा माइनस के क्यू कैपिटल क्यू, यहाँ पे ये आएगा वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू. इसी तरह ये जो वर्क है पॉइंट वन से टू तक, ये इसके इक्वल आ जाएगा. एंड द वर्क फ्रॉम पॉइंट टू टू थ्री, ये भी आएगा माइनस के क्यू कैपिटल क्यू वन ओवर आर टू माइनस वन ओवर आर थ्री. तो इसमें एंड सो ऑन हम सारे वर्क मालूम कर लेंगे, और आखिर में जो होगा वर्क डेल डब्ल्यू, ये होगा पॉइंट एन से बी तक, ये बराबर आएगा माइनस के क्यू कैपिटल क्यू वन ओवर आर एन माइनस वन ओवर आर बी. और जो टोटल वर्क आएगा वो इन सब का हम सम ले लेंगे, टोटल वर्क फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. तो वर्क फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इधर हम लिखते हैं ए टू बी, ये बराबर होगा वर्क फ्रॉम पॉइंट ए टू वन, ए से वन तक, प्लस वर्क फ्रॉम पॉइंट वन टू टू, प्लस वर्क फ्रॉम पॉइंट टू टू थ्री, प्लस सो ऑन, प्लस वर्क फ्रॉम पॉइंट एन टू बी. तमाम वर्क जो हमने मालूम किए हैं इनको हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास वर्क आ जाएगा, ये वर्क आएगा ए से बी तक. तो ये इनको जब आप ऐड करेंगे तो आप देखें इन सब में जो कॉमन आएगा वो आएगा माइनस के क्यू कैपिटल क्यू, और यहाँ से जो ब्रैकेट में रह जाएगा वो रहेगा वन ओवर आर ए माइनस वन ओवर आर वन, और यहाँ पे जो कॉमन रहेगा वो आएगा प्लस वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू, और यहाँ से आएगा हमारे पास प्लस वन ओवर आर टू माइनस वन ओवर आर थ्री, प्लस सो ऑन, और आखिर में हमारे पास रहेगा प्लस वन ओवर आर एन माइनस वन ओवर आर बी. तो आप देखें यहाँ पे ये माइनस वन ओवर आर वन है, ये प्लस है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये माइनस ये प्लस भी कैंसिल हो जाएगा. इसी तरह ये माइनस है ऐसे आगे प्लस होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ऐसे पीछे माइनस होगा वो कैंसिल हो जाएगा. तो जो वर्क आएगा ए से बी तक, ये बराबर होगा माइनस के क्यू कैपिटल क्यू वन ओवर आर ए माइनस वन ओवर आर बी. ये हमारे पास वर्क आ जाएगा ए से बी तक. इसको अगर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारे पास जो वर्क आएगा वो बराबर आएगा ए से बी तक, ये बराबर होगा के क्यू कैपिटल क्यू, ये माइनस को हमने अंदर ले गए तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये वन ओवर आर बी माइनस वन ओवर आर ए पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन हमने मालूम करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है बिटवीन ए एंड बी. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय द चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए किसके इक्वल होगा, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वो वर्क हम मालूम कर चुके हैं, ये आपके सामने है, इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये आएगा के क्यू कैपिटल क्यू वन ओवर आर बी माइनस वन ओवर आर ए डिवाइडेड बाय द चार्ज. ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वी बी माइनस वी ए द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू के क्यू इंटू वन ओवर आर बी माइनस वन ओवर आर ए आ जाएगा. अब देखिए इफ पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी, इफ पॉइंट ए इज एट
इन्फिनिटी, अगर पॉइंट इन्फिनिटी पे होगा तो फिर वी ए किसके बराबर आएगा, तो फिर वी ए जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा, और आर ए जो है ये इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, और वन ओवर इन्फिनिटी जो है, वन ओवर आर ए मीन्स वन ओवर इन्फिनिटी और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन लगाते हैं इस पे कि इफ़ पॉइंट ए इज़ एट इन्फिनिटी, तो फिर इफ पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी देन दिस इक्वेशन नंबर थ्री कैन बी रिटन एज वी बी माइनस ज़ीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर वन ओवर आर बी माइनस वन ओवर इन्फिनिटी, और वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, तो वी बी बराबर आ जाएगा के क्यू ओवर आर बी। इसको हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं के क्यू ओवर आर, ये हमारे पास रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एट अ पॉइंट, और के की वैल्यू आपको पता है कि वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो वी को हम लिख सकते हैं वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। तो दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कोई भी आपको पॉइंट अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।